अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद है आप सब दोस्त खुश होंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने 4 फीट पर जो है ना वो 3 सैटेलाइटें ट्रैक किए हैं। एशिया के साथ हमने M6 भी लगाई है और PT-8 भी आपके सामने लगाएंगे। तो हम आपको चेक करवाते हैं कि हमारी डिश का साइज़ कितना है। बाद में लोग कहते हैं कि डिश जो है वो बड़ी थी, तो भाई ने ऐसे दिखा दिया। तो ये चेक कर लें, हम आपको डिश का साइज माप कर दिखाते हैं, ये चेक कर लें। ये चेक करें, ये तो तकरीबन हमारी 46 इंच है। ऊपर से भी आप चेक कर सकते हैं, वो देख लें सामने से। तो हमारी जो डिश है वो 46 इंच है, ये तकरीबन 4 फिट भी पूरी नहीं है। तो हम आपको इसका रिव्यू भी करवाते हैं, LNB का भी आप चेक कर सकते हैं। ये वो चेक करें, ये 38 पर रखी जाती, तो हमने इसको 36 पर रखा हुआ है, क्योंकि हमने B4U मूवी वाले जो चैनल थे वो भी रिसीव करने, तो इसलिए हमने इसको 36 पर रखा है। तो हम आपको बैक से इसका रिव्यू करवाते हैं डिश का। ये जो हमारी बैक की अप डाउन की लेंथ है, ये तकरीबन 20 बनती है लेंथ है। तो हम आपको अभी इसका TV पर रिजल्ट चेक करवाते हैं। मेरे ये चेक कर लें, तो हमारे पास ये लगी हुई है TV 10 स्पोर्ट की, तो चेक कर लें इसके, हमारे पास 72 सिग्नल आ रहे हैं। तो हम आपको अभी चेक करवाते हैं डिश के सामने, हाथ देख कर हाथ दिया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने देख लें ये सिग्नल चले गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये हमने हाथ डिश किया है, सामने हाथ दिया हुआ है, और ये चेक कर लें कि हमारे पास यही डिश है, इस पर तार लगी हुई है कि या किसी और पर, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें, हमारी ये छोटी सी तार लगाई हुई, हमने कोई बड़ी तार नहीं लगाई। आप ये चेक कर सकते हैं रिसीवर में ये तार लगी हुई, और आप इधर से भी चेक कर सकते हैं कि डिश में हमने यही तार लगाई हुई है या कोई और है। मूव किया तो सामने देख लें 72 सिग्नल आ रहे हैं हमारे पास। हमने जो डिश के सामने से हाथ हटाया तो सिग्नल हमारे पास आ गए इस TV के जो 10 स्पोर्ट की है। तो हम आपको अभी कोई 1-2 और TV-ओं के सिग्नल चेक करवाते हैं, तो उसके बाद हम आपको N6 के सिग्नल चेक करवाएंगे और 88 के भी। और ये चेक कर लें आप, जो स्टार स्पोर्ट चलता है ना, स्टार का जितना नेटवर्क है वो इस TV पर चलता है, 4000 हॉरिजॉन्टल 28100, इस पर भी हमारे पास 68 सिग्नल आ रहे हैं, और ये 4 फिट पर ही हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास इसी डिश पर आ रहे हैं सिग्नल, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कर लें, हमारे पास इसी डिश पर ये सिग्नल आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं। तो हम आपको अभी जो है ना किसी और TV के सिग्नल चेक करवाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कर लें, ये स्टार स्पोर्ट के सिग्नल है हमारे पास। तो हम आपको और कुछ और TV-ओं के सिग्नल चेक करवाते हैं, और चेक करवाते हैं कि हमने इस पर कितने चैनल रिसीव किए हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस पर हमने, ये चेक कर लें, तकरीबन हमने इस पर 260 चैनल रिसीव किए हैं 4 फिट डिश पर। तो हम आपको चैनल चलाकर तो नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो हम आपको ARY के अभी सिग्नल चेक करवाते हैं, और ये चेक कर लें, हमारे पास B4U मूवी वाली जो TV है वो भी रिसीव हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास B4U मूवी वाली TV भी रिसीव हुई हुई है, वो भी हमारे पास रिसीव हुई हुई है, चेक कर सकते हैं आप। इसके भी हमारे पास तकरीबन 68 सिग्नल आ रहे हैं, और ये सामने का एरिया डिश का जो सामने का एरिया है वो देख लें, तो हमारे सामने दीवार भी है, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें, तो हमारे सामने ये दीवार भी है, हमने ये घर में डिश रखी हुई है और हमारे सामने दीवार भी है, और ये हमारा छोटा सा मल्टी सेटअप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर भी। और कुछ डिशें हमने 1-2 जो हैं वो छत पर भी रखी हुई हैं, हम आपको चेक करवाते हैं अभी। ये चेक कर लें, तो ये हमारी मल्टी सेटअप लगा हुआ, और ये छोटी डिश हमारी नीचे पड़ी 2 फिट की, और अगर ऊपर जाएं तो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, छत पर जो हमारी एक डिश नज़र आ रही है और दूसरी हमने थोड़ी सी आगे रखी हुई है वो नज़र नहीं आ रही। तो हम आपको ये वैसे ही बता रहे हैं कि हमारे पास जो मल्टी सेटअप लगा हुआ है छोटा, तो ये चेक करें, हमने जो तार है वो DD3 डिश में लगा दी है, अब आप ये चेक कर सकते हैं। ये हमारी जो तार है ये लगी हुई है, और हमने 88 भी रिसीव करनी, तो हमने इसको बिल्कुल क्लोज करके लगाया है फीड आयरन के साथ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको
इंची टेप से माप कर दिखाते हैं कि ये इसका फासला हमारे पास कितना होगा, 4.5 या 2 इंच पर लिए लगेगी, बिल्कुल 2 इंच पर लिए लगी हुई है हमारी एल एन बी। तो हम आपको अभी टीवी पर चेक करवाते हैं कि हमने इसके कितने सिग्नल रिसीव किए हैं और हमारे पास इसके फुल सिग्नल रिसीव हो रहे हैं या नहीं। ये चेक कर लें, ये 2 इंच पर लगी हुई है हमारी एल एन बी जो 95 की है, और इस पर हमारे पास डिश टीवी भी आ रहा है और 93 दोनों आ रही हैं तकरीबन, फ्री वाले चैनल भी और कार्ड वाले चैनल। हम आपको चेक करवाते हैं, जो हमारे पास है ये टीवी लगी हुई है, ये 92 आ रहे हैं सिग्नल इसके, 11630 वर्टिकल 30,000। तो हम आपको अभी जो है किसी और टीवी के सिग्नल चेक करवाते हैं। ये चेक कर लें, ये हमारे पास टीवी आ रही है 11470 वर्टिकल 29500, ये 29500 वाली टीवी है, 11470 वर्टिकल 29500 वाली ये टीवी है। इसके भी हमारे पास 91 सिग्नल आ रहे हैं। तो इसी तरह हम आपको चेक करवाते हैं किसी और टीवी के सिग्नल। इस पर जो रिश्ते सैनप्लेक्स है वो भी चलता है और जो स्टार गोल्ड थ्रिल्स है वो भी चलता है। आप ये चेक कर सकते हैं 11090 वर्टिकल 29500, इसके भी हमारे पास 91 सिग्नल आ रहे हैं इसके भी, एस टी वी के भी। इसी तरह हम आपको चेक करवाएंगे, अब हम आपको चेक करवाते हैं 88। ये चेक कर लें, ये हमारी जो है ना 88 वो यहाँ पर लगेगी, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। हम आपको इंची टेप से भी चेक करवाते हैं, फासला रहेगा वो चेक कर सकते हैं आप, वो तकरीबन 4.5 इंच रहेगा। ये चेक कर लें, ये 4 है और ये 4.5 इंच पर ये लगेगी जो 88 है वो एशिया 67 से ये 4.5 इंच पर ये लगेगी। और हमने NNX6 को थोड़ा सा अंदर किया ताकि हमारे पास 88 के जो सिग्नल हैं वो आसानी से रिसीव हो सकें। और आप चेक कर सकते हैं ऐसे, ये आपकी एल एन बी लगेंगी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी एशिया लगी हुई है और ये NNX6 लगी हुई है और ये 88 लगी हुई है। तो हमने आपको इन तीनों सेटेलाइटों का फासला भी माप कर दिखाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर 88 के सिग्नल चेक करवाते हैं और बारी बारी फिर सभी सैटेलाइटों में। आप ये हमारे पास जो 88 की सबसे मुश्किल टीवी है वो हमने लगाई है, तो उसके हमारे पास 82 सिग्नल आ रहे हैं हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं। ये 11483 ओरिजिनल 45,000, ये चेक कर सकते हैं आप, इसके भी हमारे पास 82 सिग्नल आ रहे हैं। और इसी तरह हम आपको कुछ और टीवियों के सिग्नल चेक करवाते हैं। हमारे पास सभी टीवियों जितनी भी टीवीज हैं उन सभी टीवीज के सिग्नल आ रहे हैं, ये चेक कर लें। जी टीवी वाली टीवी के तो हमारे पास इसके भी 82 सिग्नल ही आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। 11164 रीजेंटल 45,000, ये इसके भी हमारे पास 82 सिग्नल आ रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है ये चेक कर सकते हैं, ये 11164 वर्टिकल 45,000, इसके हमारे पास 90 सिग्नल हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें, ये 90 सिग्नल हो रहे हैं हमारे पास इसके। तो हम आपको अभी चेक करवाते हैं कुछ और टीपियों के सिग्नल भी, ये चेक कर लें। सब एचडी वाली जो फ्रीक्वेंसी है 11050 ओरिजिनल 30,000, इसके भी हमारे पास 86 सिग्नल हो रहे हैं। तो हम आपको अभी पिटारा वाली जो टीपी है उसके सिग्नल चेक करवाते हैं, ये चेक कर लें। हमारे पास जो पिटारा वाली टीपी है उसके भी हमारे पास 82 सिग्नल आ रही है, आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं 82 ही सिग्नल। मैं तार लगा कर दिखाएंगे कि ताकि आपको पता चल सके कि हमने बाकी जो है तीनों सेटेलाइट। ये चेक कर लें, मैं अभी 88 से तार उतार रहा हूँ और ये आपके सामने एशिया में लगा रहा हूँ आपको, और एशिया का चैनल भी आपके सामने ही लगा कर आपको दिखाऊंगा। ये चेक कर लें, तो हमने एशिया में ये तार लगाई एशिया 67 में। तो आप आपको अभी टी वी पर इसका रजा ARY डिजिटल वाली फ्रिक्वेंसी है वो चेक कर लें, तो उसके हमारे पास 68 ही सही सिग्नल अभी आ रहे हैं। और हमने ये चेक कर लें तो हमारे पास अभी भी जो एशिया 67 वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो हैं वो पहले भी 72 आ रहे थे और अब भी 72 आ रहे हैं। तो हम आपको अभी NNX6 चेक करवाते हैं, पर उसकी टीपी पर हमारे पास सिग्नल वही आ रहे हैं या बदल गए हैं, हम आपको चेक करवाते हैं। ये चेक कर लें, ये हम अभी लगा रहे हैं NNX6 में तार लगा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने कोई LNB-ओं को रिमूव नहीं किया और हम आपके सामने जो तार हैं वो लगा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने NNX6 में तार लगाई है
और हम आपको टीवी पर ये चेक कर लें। हमारे पास जो एम एच वन डेल से है उसके सिग्नल भी हम आपको चेक करवा रहे हैं, उसकी टीवी भी आप नोट कर सकते हैं 11630 वर्टिकल 30,000, तो इसके भी हमारे पास सिग्नल जो है वो 91 ही आ रहे हैं। और ये चेक कर लें ये नज़ारा टीवी, ये 11090 और वर्टिकल 29530 का चैनल वो भी प्ले हो रहा है, और इसकी इस टीवी के भी सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल निकॉन L1 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।